नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के नए मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है LIC का धनरेखा प्लान और इस प्लान का नंबर है 863। ये LIC का एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में LIC तीन तरह का पॉलिसी टर्म दे रही है, 20 साल, 30 साल और 40 साल। इस प्लान के बेनिफिट के बारे में बात करें तो जो भी बेनिफिट दिया जाएगा वो गारंटेड एडिशन है, मतलब यहाँ पे गारंटेड अमाउंट दिया जाएगा। साथ ही टर्म के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मनी बैक की सुविधा भी इस पॉलिसी में दी जा रही है, और मैच्योरिटी तक सर्वाइव करने पर जो भी मैच्योरिटी राशि है उस व्यक्ति को वो राशि भी दी जाएगी। इस प्लान में अगर स्पेशल बेनिफिट के बारे में देखें तो लेडीज का प्रीमियम जेंट्स के प्रीमियम से थोड़ा अमाउंट कम रखा गया है, मतलब यहां पर लेडीज का प्रीमियम कम है और जेंट्स का प्रीमियम ज्यादा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का रीजन है कि पॉलिसी टर्म 20 साल, 30 साल, 40 साल धनरेखा प्लान में सालाना इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है मैच्योरिटी कैलकुलेशन के आधार पर, तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो हम यह भी देखेंगे कि इस प्लान को लेने की योग्यता LIC ने क्या रखी है, और इस प्लान को हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि किस तरह से गारंटेड एडिशन मिल रहा है, मनी बैक कितना मिल रहा है और मैच्योरिटी अमाउंट कितना दिया जा रहा है, और इसके बाद डेथ बेनिफिट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं हम तो दोस्तों, LIC के धन रेखा प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो LIC ने इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए रखा है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है। आप अपने इनकम के अनुसार मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो 25,000 से मल्टीपल करते हुए आप अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। पॉलिसी टर्म, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि पॉलिसी टर्म LIC ने यहां पर 20 साल, 30 साल, 40 साल रखा हुआ है। आप इन तीनों ही पॉलिसी टर्म में से कोई भी एक टर्म चूज कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, यहां पर दो तरह से आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। मतलब आपकी अगर पॉलिसी टर्म 20 साल की है तो आपको यहां पर 20 साल प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है, उससे कम ही वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जैसे हम आगे समझेंगे, सिंगल प्रीमियम में आपको वन टाइम प्रीमियम का भुगतान करना है, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम में आपको यहां पर अगर 20 साल की पॉलिसी टर्म है तो 10 साल प्रीमियम का भुगतान करना है, 30 साल की पॉलिसी है तो 15 साल प्रीमियम का भुगतान करना है, 40 साल की पॉलिसी है तो 20 साल प्रीमियम का भुगतान करना है। प्रीमियम पेइंग मोड, यहां पर आप प्रीमियम का भुगतान 4 तरीके से कर सकते हैं अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुना है। पहला है ईयरली, दूसरा है हाफ ईयरली, तीसरा है क्वार्टरली और चौथा है मंथली, जो नैच द्वारा आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्लान के मिनिमम एज एट एंट्री की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्लान का पॉलिसी टर्म 20 साल, 30 साल, 40 साल है, तो यहां पर LIC ने यह प्लान बच्चों के लिए भी रखा हुआ है, लेकिन पॉलिसी टर्म के आधार पर। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पर 20 साल का पॉलिसी टर्म लेना चाहती है तो यहां पर 20 साल पॉलिसी टर्म लेने के लिए बच्चे की उम्र 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए, 30 साल के लिए 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 40 साल के पॉलिसी टर्म के लिए बच्चे की उम्र 19 डेज, मतलब 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें सिंगल प्रीमियम में, यहां पर दो तरह से प्रीमियम का भुगतान करना है, सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम। तो यहां पर सिंगल प्रीमियम के लिए अलग ही तरीके से रखा हुआ है मैक्सिमम एज एट एंट्री, जैसे कि पॉलिसी टर्म 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो 60 साल 20 साल के लिए रखा हुआ है, 30 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 50 साल मैक्सिमम एज एट एंट्री है और 40 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 40 साल का एज एट एंट्री रखा हुआ है। लेकिन अगर लिमिटेड प्रीमियम के मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो यहां पर 20 साल, 30 साल, 40 साल के पॉलिसी टर्म में 20 साल के पॉलिसी टर्म में
मैक्सिमम एज 55 वर्ष, मतलब 55 वर्ष तक का व्यक्ति यह पॉलिसी परचेस कर सकता है 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए। इसी तरह से 30 साल के पॉलिसी टर्म में 45 दिन और 40 साल के पॉलिसी टर्म में 35 दिन का मैक्सिमम एज एट एंट्री रखा हुआ है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में। तो दोस्तों ये था मिनिमम एज एट एंट्री। अब हम बात करेंगे इस प्लान के मिनिमम एज एट मैच्योरिटी के बारे में। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी में 20 साल 30 साल 40 साल का पॉलिसी टर्म। यहां पर अगर कोई फादर या फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लिया है और पॉलिसी टर्म 20 साल का चुना है और बच्चे की उम्र उस समय 8 साल थी तो 28 साल की उम्र में उस बच्चे को मैच्योरिटी मिल जाएगी। 30 साल के पॉलिसी टर्म में 33 साल, 40 साल के पॉलिसी टर्म में 40 साल मिनिमम एज एट मैच्योरिटी रखा गया है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी सिंगल प्रीमियम प्लान में 80 वर्ष नियरर बर्थडे रखा गया है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में 75 वर्ष नियरर बर्थडे रखा गया है। के बारे में बात किया जाए तो सर्वाइवल बेनिफिट को आप इस तरह से समझ सकते हैं, पॉलिसी टर्म और किस वर्ष में आपको यहां पर मनी बैक मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति 20 साल का पॉलिसी टर्म लेता है तो यहां पर उस व्यक्ति को 10 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद 10वें साल और 15वें साल में जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% दिया जाएगा, बाकी का 80% अमाउंट उसके मैच्योरिटी पर कैलकुलेट करके दिया जाएगा। इसी तरह से 30 वर्ष के पॉलिसी टर्म में जो भी व्यक्ति पॉलिसी परचेस करता है 15 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद 15 साल 20 साल और 25 साल में उसके सम एश्योर्ड का 15% अमाउंट LIC देगी, बाकी का 55% अमाउंट LIC मैच्योरिटी पर पे करेगी। और बात करें 40 साल के पॉलिसी टर्म में तो 20 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उस व्यक्ति को LIC 20 साल 25 साल 30 साल और 35 साल के इसमें जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका 20% अमाउंट हर 5 साल पर देगी और बाकी का जो बैलेंस 20% अमाउंट है वो मैच्योरिटी पर बोनस मतलब गारंटीड एडिशन के साथ में ऐड करके देगी। तो दोस्तों यहां पर तीनों ही पॉलिसी टर्म में LIC गारंटीड एडिशन दे रही है मैच्योरिटी बेनिफिट। मतलब प्लान नंबर 863 में अगर मेल या पॉलिसी परचेस करता है, तो दोस्तों मैंने यहां पर मेल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आगे चल के मैं ये बताऊंगा कि मेल का प्रीमियम कितना है और फीमेल का प्रीमियम कितना है। यहां पर मैंने एक एज कंसिडर किया है, एक सम एश्योर्ड लिया हुआ है उसके बारे में, एज है 30 साल, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया और टर्म है 40 साल का और साथ ही जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 साल का है। एज एट एंट्री 30 इयर्स में ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है जिसके लिए वो व्यक्ति पहले वर्ष प्रीमियम का भुगतान करता है 4.5% GST के साथ में, सालाना प्रीमियम 61,872 रुपया। बाकी के 19 वर्ष वो प्रीमियम का भुगतान करता है 2.25% GST के साथ में, सालाना प्रीमियम 60,540 रुपया। तो टोटल यहां पर उस व्यक्ति ने जो प्रीमियम का भुगतान किया है 12,12,132 रुपए का। अगर सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बात करूं तो यहां पर 20 साल की एज से और 25 साल 30 साल और 35 साल की पॉलिसी टर्म में, मतलब उस व्यक्ति के 50 साल 55 साल 60 साल और 65 साल के इसमें मनी बैक मिल रहा है जो एवरी 5 ईयर्स 20% ऑफ सम एश्योर्ड है, मतलब 2 लाख रुपया। तो टोटल यहां पर जो भी सर्वाइवल बेनिफिट है 4 बार मिल रहा है उस व्यक्ति को, मतलब 2 लाख का 4 टाइम्स हो गया 8 लाख रुपया। अगर मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो एज ऑफ 70 इयर्स में उस व्यक्ति की पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाती है। तो यहां पर उस व्यक्ति को मैच्योरिटी बेनिफिट इस तरह से मिलेगा 20% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। 2 लाख रुपया 20% ऑफ सम एश्योर्ड हो गया जो बाकी का बैलेंस है और गारंटीड एडिशन लगभग यहां पर 27 लाख रुपए होते हैं। तो यहां पर उस व्यक्ति को एज ऑफ 70 में टोटल 29 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर टोटल रिटर्न की बात करें, टोटल रिटर्न यानी मैच्योरिटी बेनिफिट प्लस सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में, तो मैच्योरिटी बेनिफिट 29 लाख का है और प्लस सर्वाइवल बेनिफिट 8 लाख का है, तो नेट टोटल रुपीज यहां पर उस व्यक्ति को 37 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर
फीमेल मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बात करें, यहां पर एज सेम है, समिश्योर्ड सेम है, टर्म सेम है, प्रीमियम पेइंग टर्म सेम है, लेकिन जो फीमेल का प्रीमियम है पहले साल 4.5% जीएसटी के साथ में उसे 61,412 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दूसरे साल से लेके बाकी के 19 साल तक उस महिला को 60,089 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है। तो टोटल यहां पर वो महिला प्रीमियम का भुगतान कर रही है 12,03,103 रुपए का। सेम इसी तरह से उस महिला को भी सर्वाइवल बेनिफिट दिया जा रहा है जैसे कि उस पुरुष को दिया गया था। तो यहां पर उस महिला की उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल और 65 साल की उम्र में हर 5 साल पर मतलब 4 बार टोटल 2,02,00,000 रुपए दिया जाएगा। तो टोटल यहां पर भी उस महिला को 8,00,000 रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट मिल जा रहा है। इसी तरह से अगर आप मैच्योरिटी बेनिफिट देखेंगे तो उस महिला के 70 इयर्स एज में 20% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन साथ में 2,27,00,000। तो जो अमाउंट यहां पर पुरुष को मिला था मैच्योरिटी पर वही अमाउंट यहां पर उस महिला को भी मिला है। दोस्तों अगर यहां पर प्रीमियम कंपेयर किया जाए मेल और फीमेल के, तो लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी में मेल का जो प्रीमियम है वो सालाना 4.5% के साथ में फर्स्ट ईयर का 61,872 रुपया है और फीमेल का 4.5% जीएसटी के साथ में सालाना प्रीमियम फर्स्ट ईयर का 61,412 रुपया है। अगर टोटल प्रीमियम कैलकुलेट किया जाए एज पर ईयरली प्रीमियम के हिसाब से तो यहां पर टोटल प्रीमियम मेल पे कर रहा है 12,12,132 रुपए का, वही फीमेल महिला यहां पर टोटल प्रीमियम का भुगतान कर रही है 12,03,103 रुपए का, मतलब अप्रोक्स 9,000 रुपए की बचत वो महिला कर रही है पॉलिसी में। तो दोस्तों ये था लिमिटेड प्रीमियम का। अगर कोई व्यक्ति या फिर महिला सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेस कर रही है समिश्योर्ड 10,00,000 के लिए, तो मेल का यहां पर प्रीमियम आ रहा है 6,51,035 रुपया और वही फीमेल का प्रीमियम आ रहा है 6,55,215 रुपया। तो दोस्तों यहां पर जो अमाउंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, मतलब लिमिटेड प्रीमियम में मेल ज्यादा भर रहा है और सिंगल प्रीमियम में मेल कम भर रहा है, लेकिन फीमेल लिमिटेड प्रीमियम में कम भर रही है लेकिन सिंगल प्रीमियम में फीमेल का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट है सिंगल प्रीमियम, वो मेल के प्रीमियम से ज्यादा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डेथ बेनिफिट के बारे में। इन केस मेल या फीमेल ये पॉलिसी परचेस करता है, अगर उसकी मृत्यु नेचुरल हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है उसके एज ऑफ 56 में, मतलब 56 वर्ष की उम्र में उस आदमी या महिला की मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर उसके नॉमिनी को 125% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर 10,00,000 की पॉलिसी है तो 12,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन उस एज तक लगभग 11,35,000 रुपया, मतलब टोटल जो डेथ बेनिफिट है वो 23,85,000 रुपया उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर इस पॉलिसी में मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट से होती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो सेम एज ऑफ 56 में, तो यहां पर सेम अमाउंट 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन प्लस यहां पर LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट का अमाउंट ऐड कर रही है, तो टोटल जो बेनिफिट है 12,50,000 प्लस 11,35,000 और 10,00,000 का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसे मिलाकर उसके नॉमिनी को 33,85,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल जहां पर मैंने आपको ये भी बताया कि मेल्स का प्रीमियम कितना है, फीमेल्स का प्रीमियम कितना है, मैच्योरिटी बेनिफिट किस तरह से मिलता है, सर्वाइवल बेनिफिट किस तरह से मिलता है और डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलता है। अब हम बात करेंगे इस प्लान के टर्म के अनुसार एनुअल इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक्सेल शीट पर जहां पर आप देख रहे हैं LIC धन रेखा प्लान, प्लान नंबर 863 जिसका हम एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। पॉलिसी टर्म 20 वर्ष के लिए, सम एश्योर्ड है 10,00,000 और उस व्यक्ति की उम्र है 30 वर्ष। यहां पर 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए टोटल 10 वर्ष प्रीमियम का भुगतान ही करना होगा। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं सीरियल नंबर, डेट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम रिटर्न्स को भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति 1 फरवरी 2022 को यह पॉलिसी परचेस करता है तो उस व्यक्ति को यहां पर
पहले साल 4.5% जीएसटी के साथ में 109,242 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों यहां पर जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट, वो यहां पर आपको माइनस में लिखना है। तो मैंने यहां पर माइनस 109,242 रुपया लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरे वर्ष से लेकर आने वाले 10 साल तक, मतलब 2031 तक, उस व्यक्ति को सालाना 106,890 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जो टोटल अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है इस 10 साल में 10,71,252 रुपए। तो दोस्तों ये अमाउंट आपका यहां पर एक्सेल सीट में माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 2032 में। 2032 में उस व्यक्ति को पहला मनी बैक मिलता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड अमाउंट, जो कि आपका माइनस में नहीं होगा। वो अमाउंट यहां पर उस व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो यहां पर वो अमाउंट सिर्फ 1,00,000 होगा, क्योंकि 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड यहां पर इस पॉलिसी में 10,00,000 का है, तो 10,00,000 का 10% 1,00,000 रुपया हुआ। पॉलिसी टर्म 2037 में यहां पर उस व्यक्ति को अगेन 1,00,000 रुपए का मनी बैक दिया जा रहा है। तो ये दोनों अमाउंट आपका प्लस में होगा, और बाकी के जो बीच के अमाउंट है वो आपको यहां पर जीरो लिखने होंगे, तो ही जाकर आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी मैच्योरिटी होगी, तो यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट गारंटीड एडिशन होगा। तो यहां पर गारंटीड एडिशन के अनुसार 17,50,000 रुपए उस व्यक्ति को 2042 में दे दिया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने यहां पर और निकाल के रखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो एक बार मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसके फॉर्मूला को लगाते हैं हम यहां पर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू एक्स आई आर आर, ब्रेकेट ओपन करना है, उसके बाद जितने भी वर्ष आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, जितना आपको यहां पर मनी बैक मिला है वो अमाउंट, और मैच्योरिटी मिली है वो अमाउंट तक आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। मतलब टोटल 1 नंबर से लेकर 21 नंबर तक आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहां पर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको डेट सिलेक्ट करने हैं, जिस वर्ष में आपने पॉलिसी परचेस किया है, प्रीमियम का भुगतान किया है, और उसके बाद आपको जितनी बार मनी बैक मिला है और मैच्योरिटी कितने वर्ष में मिला है वो यहां पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहां पर आगे चल के ब्रेकेट क्लोज करना है। तो ब्रेकेट क्लोज करने के बाद आप यहां पर एक नंबर आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर टोटल करते हैं, तो टोटल यहां पर 4.13, मतलब अप्रोक्स 4.1338 का इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न दिया जा रहा है। मतलब 4.13 से आपका जो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड अमाउंट है वो बढ़ रहा है। इसी तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉलिसी टर्म 30 वर्ष के लिए। पॉलिसी टर्म 30 वर्ष में अगर देखें तो सेम यहां पे हर एक चीज सेम रखी गई है, लेकिन पॉलिसी टर्म 30 वर्ष हो गया है, सम एश्योर्ड भी 10,00,000 सेम है, एज भी सेम है। तो यहां पर 1 फरवरी 2022 को अगर व्यक्ति पॉलिसी परचेस करता है तो उसे पहले साल 77,646 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है जीएसटी के साथ में, और बाकी के 14 वर्ष उसे प्रीमियम का भुगतान करना है 75,974 रुपए, तो जो कि अमाउंट आपको माइनस में लिखना होगा। उसके बाद 2037 में उस व्यक्ति को पहला मनी बैक मिलता है 15% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 15% ऑफ सम एश्योर्ड 1,50,000 रुपए होता है। दूसरा मनी बैक मिलता है 2042 में, और तीसरा मनी बैक मिलता है 2047 में, और 2052 में उस व्यक्ति को पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं फॉर्मूला मैंने यहां पर डाला हुआ है, और उसके बाद जो भी फॉर्मूला है अगर इंटर करता हूं तो 4.20 से ये अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे पॉलिसी टर्म 40 इयर्स के लिए। यहां पर भी लगभग हर चीजें सेम है, आप देख सकते हैं 40 साल का पॉलिसी टर्म, 10,00,000 सम एश्योर्ड, एज 30 इयर्स, 20 साल प्रीमियम का भुगतान करना है, जिसके लिए 1 फरवरी 2022 को कोई व्यक्ति पॉलिसी परचेस करता है तो 61,207 रुपए यहां पर सालाना प्रीमियम का भुगतान करना है 4.5% जीएसटी के साथ में, बाकी के 19 वर्ष उस व्यक्ति को प्रीमियम का भुगतान करना है 59,879 रुपए। उसके बाद 2042 में उस व्यक्ति को पहला मनी बैक मिलता है 2,00,000 रुपए,
दूसरा मनी बैक मिलता है 2047 में 2,00,000 रुपए, तीसरा मनी बैक मिलता है 2052 में 2,00,000 रुपए, और चौथा मनी बैक मिलता है 2057 में 2,00,000 रुपए, और 2062 में उस व्यक्ति को टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है 29,00,000 रुपए। तो यहां पर टोटल अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला के अनुसार इस पॉलिसी टर्म में, मतलब 40 साल के पॉलिसी टर्म में 4.15% के हिसाब से आपका एनुअल सालाना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अमाउंट बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 साल का अगर पॉलिसी टर्म लिया जाए तो यहां पर 4.20 के हिसाब से आपको सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये था LIC का धन रेखा प्लान, जिसमें आपको मैंने ये भी बताया कि एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है, फिर इसके बाद मैच्योरिटी ऑप्शंस क्या है, पॉलिसी टर्म में किस तरह से आपको गारंटेड एडिशन मिलता है, मनी बैक मिलता है, फुल पेमेंट कितना है, उसके बारे में बताया। मैं भी दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC के धन रेखा प्लान में एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है और यह पॉलिसी उन्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.lsinsure.in पर विजिट कर सकते हैं, साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं lsinsure1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।